नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रही हैं द खबरदार न्यूज। विभागीय समीक्षा बैठक लेने अल्प प्रवास पर पहुंची खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने केंद्रीय जिले में आचार्य विद्यासागर की प्रेरणा पर बंदियों के पुनर्वास और रोजगार के लिए संचालित हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। वहां कौशल विकास में सहायक 44 केंद्रों को लेकर उन्होंने संतोष जाहिर करते हुए व्यापक स्तर पर इसका बढ़ावा मिल सके इसके लिए प्रयास करने की बात कही। विभागीय समीक्षा बैठक लेने पहुंची मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को केंद्रीय जेल में संचालित इस केंद्र की जानकारी ने मुनि प्रमाण सागर महाराज से मिली थी, जिसके बाद वह उन्होंने जेल में संचालित इस हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था का जायजा लेने का निर्णय लिया और अपने सागर दौरे के दौरान समय निकालते हुए वह स्वयं जेल पहुंची और उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर इसी कार्य में लगे लोगों से इसकी जानकारी ली। साथ ही इसे कौशल विकास के उद्देश्य में महत्वपूर्ण कड़ी करार दिया। उन्होंने कहा, यहां बनाए जा रहे सामान के प्रचार प्रसार के साथ इस तरह के कार्यों को अन्य जिलों में संचालित करने की जरूरत है। इसके माध्यम से कौशल विकास के उद्देश्य पूरे हो सके इसके लिए उन्होंने जल्द एक कार्ययोजना के तहत काम करने की बात कही। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने इस कार्य में रोजगार हासिल करने में लगे बंदियों को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने इस कार्य को संचालित करने में लगी केंद्र की संचालिका को भी बधाई दी। इस अवसर पर हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा एक मांग पत्र भी मंत्री को सौंपा गया, जिसमें हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त बंदियों की परीक्षा आयोजित कर शासकीय प्रमाण पत्र देने, बुनकर कार्य में लगे लोगों को बुनकर कार्ड बनाने, हथकरघा क्लस्टर क्षेत्र बनाने के साथ शासकीय योजना का लाभ इससे जुड़े लोगों को दिए जाने की मांग रखी गई। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। मुझे बताया इसके बारे में, उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आई हूँ और रेखा दीदी से मैं मिली हूँ। रेखा जी से मैंने संपर्क किया कि मैं कैसे आ सकती हूँ, कहाँ आ सकती हूँ, तो मुझे पता नहीं था। तो संजय चौधरी मेरे डायरेक्टर होते थे, हमने दोनों से बात करके मैं यहाँ आई हूँ देखने के लिए कि ये भी कौशल विकास की बात होती है। मैं बंदियों को बंदी जैसे नहीं देखती, मैं देखती कि रेखा दीदी यहाँ क्या कर रही है और किस तरह से कर रही है और कैसा इनका मार्केटिंग हो सकता है। तो कई चीज़ें आ रही है मेरे दिमाग में, मैं आप अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लिया तब तक क्या फायदा। जैसे कि अभी जेल में ज्ञापन दिया गया, हम मंगल पड़े आप काम बहुत सारे काम कर रहे हैं, सारा में कितना इनकम हो जाता है। अभी तक हमने उनको 2 साल में 16 लाख रुपए का भुगतान बंदियों को किया है। उनका हमारा जो जेल विभाग से अनुबंध हुआ है उसमें हम उनको 60 रुपए मीटर, मतलब 50 रुपए बंदी को जाता है और 8 रुपए जेल के, से 60 रुपए मीटर उनको हम भुगतान करते हैं, वो सीधा बंदियों के खाते में जा रहा है। तो अभी हमने 2 साल में 16 लाख रुपए की बंदियों को पेमेंट की।